स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला टॉपिक यूनिट, उस यूनिट के अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टेलर सीरीज। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। तो टेलर सीरीज के स्टेटमेंट को हम जान लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके BSc, MSc, BTech, नेट और गेट, CSIR, नेट और गेट के एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए जानते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज़ क्या है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन स्टेटमेंट क्या है इसका टेलर थ्योरम का, तो टेलर थ्योरम के अंदर जो सीरीज़ बनती है उसे टेलर सीरीज़ कहते हैं। थ्योरम में एक सीरीज़ आती है उसे हम टेलर सीरीज़ कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ़ FZ इज़ एनालिटिक इनसाइड ए सर्कल सी। अगर कोई फंक्शन FZ है जो कि एक सर्कल सी के अंदर एनालिटिक है, जिसका सेंटर ए हो, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल सी है और इसका सेंटर ए है, तो इस सर्कल के अंदर सभी पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, फिर उस केस में जेड कहीं पर भी हो इस सर्कल के अंदर, उसके लिए FZ यानी कि फंक्शन जेड को हम Z-A की पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसका एक्सपेंशन क्या बनता है फार्मूले के अकॉर्डिंग? FZ = FA + FA + FAA2Z-A + FAA2Z-A^2 + n n' (n^n)^(n)^2 + n+1। इसको हम सिग्मा नोटेशन में शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं FZ = n goes to 0 to ∞ (AN)(Z-A^n)। यहाँ पर AN की वैल्यू क्या होगी? AN जो है वो Z-A^n का कोफिशेंट है। वो क्या है यहाँ पर? FN(Dev@A)(n)). तो AN की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दिस सीरीज इज नोन एज टेलर सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ FZ अबाउट Z = A। इसी सीरीज को हम फंक्शन FZ का टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट Z = A कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इससे रिलेटेड अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन करने के लिए जिस भी क्वेश्चन का हमें एक्सपेंशन करने को कहा गया है वो FZ लेंगे और पॉइंट हमें बताएगा जिसके अबाउट करना है, वो A की वैल्यू हो जाएगी और हम फार्मूला लगा लें। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है एक्सपेंड एज टेलर सीरीज टेन इनवर्स जेड अबाउट Z = π/4। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के लिए जैसा कि हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया, जिसको एक्सपेंड करना है वो तो हमारा फंक्शन FZ हो जाता है। तो FZ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टेन इनवर्स जेड, और जिसके अबाउट करना है वो A की वैल्यू हो जाती है। A = यहाँ पर हो जाएगा Z = π/4 के अबाउट है तो A की वैल्यू π/4। तो बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है? FZ = किसके इक्वल होता है? FZ = होता है FA, A की जगह पर π/4 है, प्लस F'A भी A की जगह पर π/4 है (Z-A), फिर F"A A की जगह पर π/4 है (2)^2 (Z-A)^(a)π/4 है की पावर 2+1। ऐसे सीरीज चलती है। अब इस सीरीज को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 बोलें तो हमें Z-A की वैल्यू π/4 है, तो यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी सीरीज एक्सपेंड करने के लिए? सारे फंक्शन की वैल्यू एट π/4 और उसके डेरिवेटिव की। तो ये फाइंड करके हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, टेलर सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास FZ कितना था? टेन इनवर्स जेड। तो F π/4 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स जेड की जगह पर π/4 रख देंगे, टेन इनवर्स π/4, ठीक है स्टूडेंट। इसे टेन इनवर्स π/4 को 1 लिख देते हैं, भाई रॉन्ग होगा भाई। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, टेन इनवर्स π/4 की वैल्यू 1 नहीं होगी। इसे FZ छोड़ देंगे, ये कैलसी से इसकी वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं, पर आप टीचर के पास π/4 टेन इनवर्स π/4 की फॉर्म में ही होगा, इसे FZ छोड़ दें। फिर F' निकालना है तो पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे। टेन इनवर्स जेड का डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है? 1/1 + Z². अब इसमें उसे चाहिए F'π/4, तो Z को π/4 से रिप्लेस कर देंगे तो 1/1 π/4² इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/16 π² आ जाएगा। फिर F" निकाल लेंगे यहाँ से, जेड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2Z/1 + Z²², ठीक है स्टूडेंट। इसमें फिर से वैल्यू रख देंगे जेड की जगह पर π/4, तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा π/4 रखने पर -π/2/1 + π² / 16² ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करके
जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो 16 का होल स्क्वायर 256, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू 256 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारी वैल्यू रह जाएगी 16 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती। अब रिक्वायर्ड सीरीज चाहिए, रिक्वायर्ड टेलर सीरीज, गिवन बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम वैल्यू रख देंगे एफ जेड की जगह पर, तो आ जाएगा टेन इनवर्स जेड। एफ पाई बाय 4 हम निकाल चुके हैं, वह 16 अपॉन 16 पाई स्क्वायर, 16 प्लस पाई स्क्वायर। फिर प्लस एफ डैश पाई बाय 4 वो हम निकाल चुके हैं, आया था 16 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर, सॉरी एफ पाई बाय 4 था, एफ पाई बाय 4 यहाँ पर आएगा 10 इनवर्स पाई बाय 4 और एफ डैश पाई बाय 4 ये हो गया इंटू जेड माइनस पाई बाय 4। फिर प्लस एफ डबल डैश पाई बाय 4, एफ डबल डैश पाई बाय 4 हमारा ये निकल कर आया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 1 2 2 2 4 2 8 16, तो माइनस 128 पाई अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू जेड माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी, ये रिक्वायर्ड सीरीज हो जाएगी टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जेड इक्वल टू एफ टेन इनवर्स जेड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर। अब हम एक और सीरीज़ के बारे में जानते हैं जो होती है टेलर सीरीज, या टेलर्स थ्योरम के अंदर जो सीरीज़ बनती है उसे टेलर सीरीज़ कहा जाता है। तो टेलर सीरीज़ में या टेलर थ्योरम के लॉरेंट सीरीज, और लॉरेंट सीरीज़ के अंदर जो लॉरेंट थ्योरम के अंदर जो सीरीज़ बनेगी उसे लॉरेंट सीरीज़ कहा जाता है। अब लॉरेंट थ्योरम क्या कहती है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इन रिंग शेप रीजन कैपिटल आर बाउंडेड बाय द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 विद सेंटर एट ए एंड रेडियस R1 एंड R2, मतलब इस बार हमारे पास जो एफ जेड फंक्शन है वो रिंग शेप रीजन में एनालिटिक बताया गया, वहाँ टेलर में सर्कुलर रीजन में बताया गया था, यहाँ पर लॉरेंट में रिंग शेप रीजन में एनालिटिक बताया गया है। वो रिंग शेप रीजन कैपिटल आर है क्या, C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं उनसे बाउंड होने वाला, C1 के अंदर और C2 के बाहर ये वाला पोर्शन जो है रिंग शेप रीजन, इसे कैपिटल आर बोल रहा है। बना कैसे है, दो सर्कल से जो C1 और C2 है जिनका दोनों का सेंटर A पर है, और एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस कितनी है R2, इसकी रेडियस को R2 बोल रहा है और इसकी रेडियस को R1, बड़े सर्कल की रेडियस को R1 ग्रेटर है R2, ठीक है। देन वो कहता है कि फंक्शन का जो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, फार्मूला है एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन गोज टू 0 टू इन्फिनिटिव ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन। यहाँ पर ए एन के लिए क्या फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल अलोंग कर्व C1 ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी डब्ल्यू। यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रहेगी क्योंकि ए एन इस वाले पार्ट में आ रहा है और इसमें समीशन 0 से स्टार्ट है, तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रहेगी। बी एन का फार्मूला सेम यही फार्मूला है जो ए एन का है 1/2πi, बस यहाँ पर n की प्लेस पर यहाँ माइनस n आ जाएगा n की प्लेस पर, और ये फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, बी एन की वैल्यू n में n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 1 से स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ पर सीरीज में समीशन n कहाँ से स्टार्ट है 1 से इन्फिनिटी तक, तो ये सीरीज लॉरेंट सीरीज कहलाती है। अब कोई फंक्शन ऑलरेडी आपके पास सीरीज़ की फॉर्म में है और आपसे पूछा जाए ये सीरीज़ जो बनकर आई वो टेलर सीरीज है लॉरेंट सीरीज, तो आपको सोचने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीरीज़ जो निकल कर आई है उसमें जेड माइनस ए के अबाउट है अगर, तो जेड माइनस ए की पावर नेगेटिव दिखाई दे रही है किसी भी टर्म में, सीरीज़ में कोई भी नेगेटिव पावर जेड माइनस ए की दिखाई दे या 1/z-a की पावर दिखाई दे तो वो सीरीज़ लॉरेंट सीरीज़ है, और अगर 1/z-a की पावर या z-a की पावर नेगेटिव नहीं दिखाई देती तो वो लॉरेंट सीरीज ना होकर कैसी सीरीज होगी, टेलर सीरीज होगी, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन करते समय हमें टेलर और लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम इन फार्मूलेज को लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ये हम कुछ रिजल्ट्स हैं इनको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है और हम इसी से करेंगे। तो e टू द पावर जेड का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, e टू द पावर जेड का होता है 1+z/1 factorial + z²/2 factorial + z³/3 factorial साइन जेड का जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 factorial + z²/5 factorial - z²/7 factorial + 1 सारे ओड पावर्स आएंगी और वही फैक्टोरियल में अपॉन। कोस जेड का 1 - z²/2 factorial + z^4/4 factorial - z^6/6 factorial + यहाँ पर जेड की सारी पावर इवन आएंगी और अल्टरनेट साइन आएंगे,
ठीक है, और वही पावर जो है वही फैक्टोरियल अपॉन में आएगा। लॉग वन माइन वन प्लस जेड की सीरीज़ होती है जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड क्यूब बाई थ्री माइनस जेड क्यूब बाई फोर बाई फोर, ये सीरीज़ लॉग वन प्लस जेड की होती है। ठीक है, इसी तरीके से वन अपॉन वन माइनस जेड की सीरीज़ अगर चाहिए तो ये बायलोमियन सीरीज से फार्मूला बना है। वन अपॉन वन माइनस जेड को हम लिख सकते हैं वन माइनस जेड की पावर माइनस वन। अब इसे अगर दोनों ये यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव दोनों सेम साइन है नेगेटिव है तो सीरीज़ बनेगी सारी प्लस में, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, और वन अपॉन वन प्लस जेड है इसे हम वन प्लस जेड की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, तो ये अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस, तो अल्टरनेट चलेगी, पहली टर्म प्लस वन फिर माइनस जेड फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। सो इन सभी सीरीज में आप देख सकते हैं कि ये सीरीज सारी कन्वर्जेंट तभी होंगी, कन्वर्जेंट मतलब सीरीज एक्सपेंशन एफ जेड का ये जो किया है ये एक्सपेंशन वैलिड तभी होगा जब सीरीज अगर जेड की पावर में चल रही है तो मोड जेड वन से छोटा हो। ठीक है, मोड जेड वन से छोटा होना चाहिए, जिसकी भी पावर में सीरीज एक्सपेंशन हो रखा है असेंडिंग पावर्स में उस वेरिएबल की पावर उस वेरिएबल का मोड लेस देन वन होना चाहिए तभी सीरीज एक्सपेंशन वैलिड है। यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है। एक क्वेश्चन हम ये और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फाइंड द टेलर एंड लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2011 में आया हुआ है। सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो एज जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन हो इस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में तो आपको टेलर या लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसमें बायनोमियल सीरीज लगाएंगे एक्सपेंशन फार्मूला बायनोमियल सीरीज का जो हमने अभी डिस्कस किया वन माइनस जेड की पावर माइनस वन का और वन प्लस जेड की पावर माइनस वन, इनमें से जो भी बन रहा है वो लगाएंगे और हमारे पास सीरीज बन जाएगी। अब उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया कि पहले से पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी और पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक रूल होता है, वो रूल ये कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है किसी भी रेशनल फंक्शन के अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस हो, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए और ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा लेस यानी कि कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। यहाँ पर इसकी न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री इसकी है कितनी टू, और डिनोमिनेटर इंटू करेंगे तो इसमें जेड की हाईएस्ट पावर टू दिखाई देगी यानी कि इसकी भी डिग्री कितनी है टू, और दोनों की डिग्री सेम आ रही है तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन अभी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो भाई जेड स्क्वायर माइनस वन को इससे इन दोनों के इंटू करेंगे तो क्या बनेगा जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टेबल जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर बनाना है तो वन टाइम चलेगा, तो जेड स्क्वायर से अगर वन से इंटू करें तो ये क्या बनेगा जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड माइनस प्लस सिक्स। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे ये कैंसिल और ये हमारा बचा माइनस फाइव जेड माइनस फाइव जेड और माइनस सेवन माइनस फाइव जेड और माइनस का सेवन ये बचा। अब ये तब तक डिवाइड करना होता है जब तक इससे डिग्री लेस ना हो जाए, यहाँ पर डिग्री कितनी है टू और इसकी डिग्री कितनी है वन, तो इसकी डिग्री इससे लेस हो चुकी है, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर ये हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, ये डिविजर हो गया। ठीक है, और ये डिविडेंट हो गया, डिविडेंट। तो हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं भाई डिवाइड करने के बाद, ये लिखा जाता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, कोशेंट हमारा वन आया, कोशेंट हमारा कितना है वन आया, रिमाइंडर कितना आया माइनस फाइव जेड प्लस सेवन अपॉन ये फैक्टर, ये जो जिससे डिवाइड किया था इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री, ये आ गया इज इक्वल टू। अब ये वाला पार्ट जो अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट हमारा, ये वाले पार्ट में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमेटर से छोटी है और ये फंक्शन रेशनल फंक्शन है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो इसको हम ए अपॉन, क्योंकि ये फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो ए अपॉन जेड प्लस टू प्लस बी अपॉन जेड प्लस थ्री पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड नहीं है होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं है तो इसके लिए मैंने बताया ए फाइंड करना है तो ए के अपॉन में जो बैठा हुआ है जेड प्लस टू इसको रफ वर्क में जीरो रखें और जेड की वैल्यू निकाल लें माइनस टू। अब जिसके जिस इतने पार्ट के हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो इस पूरे पार्ट में जेड इक्वल टू माइनस टू रख देंगे, बस वहाँ नहीं रखना जहाँ जीरो बनेगा, तो माइनस टू रखेंगे ऊपर तो माइनस टू इंटू फाइव माइनस का टेन आ जाएगा प्लस सेवन, नीचे रखेंगे माइनस टू यहाँ जीरो बनेगा इसमें नहीं रखना, इसमें रखेंगे माइनस टू तो वन आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके हमारा कितनी वैल्यू आती है माइनस का थ्री, तो ये ए की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से बी की वैल्यू चाहिए तो बी के अपॉन में जो है जेड प्लस थ्री इसको रफ वर्क में जाएंगे जीरो रखेंगे जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो,
जेड की वैल्यू कितनी आएगी माइनस थ्री। अब जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे यानी कि इस वक्त इसमें जेड इक्वल टू माइनस थ्री रखेंगे, बस वहाँ नहीं रखना जहाँ जीरो बनेगा, तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें रखेंगे जेड इक्वल टू माइनस थ्री, तो यहाँ पर माइनस थ्री रखेंगे, फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस का फिफ्टीन, माइनस का फिफ्टीन प्लस सेवन आएगा, अपोन में रखेंगे माइनस थ्री तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू, ये हमारी एट आ जाएगी, माइनस का एट। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस का एट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू रखने के बाद ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन इसके मिल जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मिलने के बाद अब हमें एक एक पार्ट के लिए इसको एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास जो रीजन पहला वाला दिया हुआ था पहले पार्ट में, मोड जेड लेस देन टू दिया हुआ था, और हमारा फंक्शन एफ जेड बना है ये जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसके हमारे बने थ्री अपॉन जेड प्लस टू माइनस वन अपॉन जेड प्लस थ्री। ठीक है, अब यहाँ से इसे एक्सपेंशन करना है, तो इसे एक्सपेंशन करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, टेलर सीरीज़ के रेशनल फंक्शन वाले जो फंक्शंस हैं जिसमें न्यूमरेटर में और डिनोमेटर में दोनों में पॉलीनोमियल और पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही, तो उनके लिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, उनके लिए सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए टेलर रिलेशन पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है, फिर ये जो फार्मूले बताए थे वन माइनस जेड की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन या वन प्लस जेड की पावर माइनस वन का, यानी कि वन अपॉन वन माइनस जेड या वन अपॉन वन प्लस जेड का फार्मूला लगाना है और एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही फार्मूले में आपको वन अपॉन में वन माइनस या वन प्लस बनाना है, यानी कि पहले एक टर्म पॉजिटिव वन बनानी है। तो इसको ये तो कॉन्स्टेंट है इस, प्लस इस वाले पार्ट में अपॉन में हमें वन बनाना है। वन बनाने के दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बन जाएगा, या आप टू कॉमन लेंगे तो वन बन जाएगा। जब आप टू कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बनने के बाद जेड बाई टू इस दूसरा पार्ट बनेगा, और जब आप जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बनने के बाद कॉमन लेकर जेड कॉमन लेकर यहाँ पर वन बनेगा और यहाँ टू बाई जेड। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ से बनकर तैयार हो सकती है, या तो वैल्यू इसके हिसाब से हमें दो बनेगी, या तो जेड बाई टू या टू बाई जेड। अब हमें डिसाइड करना है जो गिवन रीज़न है ये वाला, इसके हिसाब से हमारा जिसका मोड वन से छोटा होगा जेड बाई टू का, तो सीरीज़ जेड बाई टू में बनेगी, और अगर टू बाई जेड का मोड वन से छोटा होगा तो हमारी सीरीज टू बाई जेड में बनानी होगी। बट उसके लिए पहले जो गिवन रीज़न है उसमें हमेशा जो बड़ा मुँह है यानी कि ग्रेटर साइड है उसको वन बना लेते हैं, तो वन बनाने के लिए टू से डिवाइड कर देंगे, तो मोड जेड बाई टू लेस देन वन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्लियरली मोड जेड बाई टू वन से छोटा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट बनाना हो यानी कि सीरीज मोड जेड बाई टू में बनानी होगी, और उसके लिए यहाँ पर जेड बाई टू अपॉन में क्रिएट करना होगा, और उसके लिए आप देख सकते हैं क्या कॉमन लेना चाहिए, वन भी बनाना है और जेड बाई टू भी बनाना है, तो टू कॉमन लेना होगा। तो नीचे से टू कॉमन लिया तो ये बनेगा वन प्लस जेड बाई टू। इस वाले पार्ट में देखें तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, जब हम यहाँ से ये एट था यहाँ पर एट, तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि यहाँ पर z कॉमन लिया जाए या 3 कॉमन लिया जाए। तो अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर z कॉमन लिया तो 3 बाई जेड की फॉर्म बनेगी, ये z कॉमन लिया यहाँ 1 बनेगा यहाँ 3 बाई जेड बनेगा, तो या तो 3 बाई जेड बनेगा या फिर z बाई 3 बनेगा अगर 3 कॉमन लिया। तो आपको देखना है जो गिवन रीजन है उसके हिसाब से दोनों में से किसका मोड 1 से छोटा आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रीज़न हमारा गिवन है इसमें मोड जेड बाई टू लेस देन वन है, जेड बाई टू का मोड वन से छोटा है, और जेड बाई थ्री तो इससे भी छोटा होगा जेड बाई टू से, तो इसका मतलब इसका मोड भी वन से छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर सीरीज किसकी पावर में चलेगी, किसकी पावर में चलेगी, जेड बाई थ्री की, क्योंकि मोड जेड बाई थ्री यहाँ से वन से छोटा होगा, एज मोड जेड बाई टू ऑलरेडी किससे छोटा है वन से, और ये इससे भी छोटा है, तो इसलिए सीरीज जेड बाई थ्री में चलेगी। तो यहाँ जेड बाई थ्री बनाने के लिए क्या कॉमन लिया जाए, वन भी बनाना है और जेड बाई थ्री भी, तो थ्री कॉमन लिया जाए, तो थ्री कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस जेड बाई थ्री। ये आपको बातें समझ में आनी चाहिए, बस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो जेड और टू है यहाँ पर, एक तरफ जेड एक तरफ टू, तो आपको या तो सीरीज जेड बाई टू में बनानी है टू बाई जेड में, वो कन्फर्मेशन चाहिए, तो जेड बाई टू में बनानी है टू बाई जेड में बनानी है सीरीज, वो कन्फर्म करने के लिए जेड बाई टू और टू बाई जेड दोनों लिख लें, और अपने गिवन रीजन में ग्रेटर साइड वन पहले बना लें। जैसे ही वन बनाया आपको दिख रहा है जेड बाई टू का मोड वन से छोटा है, तो जिसका मोड इन दोनों में से वन से छोटा दिख रहा है, जेड बाई टू का या टू बाई जेड का, तो मोड जिसका दिख रहा है वन से छोटा सीरीज उसमें चलेगी। तो यहाँ पर गिवन रीजन के अकॉर्डिंग मोड जेड बाई टू वन से छोटा, तो सीरीज जेड बाई टू में बनेगी, इसलिए यहाँ पर जेड बाई टू क्रिएट करने के लिए टू कॉमन ले लिया जाए। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में दो पॉसिबिलिटी, या तो जेड थ्री के अपॉन में आएगा कॉमन लेने पर, या थ्री
जेड थ्री के अपॉन में आएगा या थ्री जेड के अपॉन में आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, थ्री बाई जेड बनेगा या जेड बाई थ्री। अब इसमें से कि क्या बनाना है, क्या क्रिएट करना है और सीरीज बनानी है, तो उसके लिए रीजन को देखें। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी रीजन मोड जेड बाई टू वन से छोटा है, तो जेड बाई टू का मोड वन से छोटा है तो जेड बाई थ्री तो और भी छोटा होगा, यानी कि वन से छोटे की छोटी किसकी है, मोड जेड बाई थ्री की। तो सीरीज जेड बाई थ्री में बनेगी, इसलिए जेड बाई थ्री पहले क्रिएट करेंगे थ्री कॉमन। अब हम यहाँ पर इसे वन प्लस थ्री बाई टू इंटू वन प्लस जेड बाई टू की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, और इसे एट बाई थ्री इंटू वन प्लस जेड बाई थ्री की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाई टू। अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज का, वन अपॉन वन प्लस जेड या वन प्लस जेड की पावर माइनस वन की सीरीज क्या होती है, वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखें यही टाइप की सीरीज यहाँ पर ये बन रही है, z की जगह पर z बाई टू है तो सीरीज़ क्या बनेगी इसकी, z की जगह पर z बाई टू अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, तो 1 माइनस z बाई टू नेक्स्ट टर्म प्लस z बाई टू का स्क्वायर नेक्स्ट टर्म माइनस z बाई टू का होल क्यूब प्लस सो। ऐसे ही है माइनस एट बाई थ्री इस वाली सीरीज में कंपेयर करें तो जेड की जगह पर क्या दिख रहा है, जेड बाई थ्री, ये भी अल्टरनेट सीरीज रहेगी क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो वन माइनस जेड बाई थ्री फिर प्लस जेड बाई थ्री का होल स्क्वायर फिर माइनस जेड बाई थ्री का होल क्यूब प्लस हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सीरीज हमारे पास बनकर तैयार हुई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस थ्री बाई टू समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं तो इसलिए माइनस वन की पावर एन जेड बाई टू की पावर एन। ऐसे ही से माइनस एट बाई थ्री समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन की पावर एन इंटू जेड बाई थ्री की पावर एन, तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए ये टेलर सीरीज है या मैकलोरेंट सीरीज है, तो आपको जेड जो पावर में दिख रहा है वो पॉजिटिव पावर में ही तो दिख रहा है न्यूमरेटर में, अपॉन में तो वन अपॉन जेड कहीं नहीं है सीरीज में, नहीं है, तो ये सीरीज टेलर सीरीज है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में सेम फंक्शन है, बस इस बार एफ जेड का जो रीजन है वो रीजन हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोड जेड ग्रेटर देन टू लेस देन थ्री। तो अब इसके लिए हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे इसका या लोरेंट जो भी बनेगी। तो हमारे पास सीरीज है, फंक्शन है जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री। इसको हमने अभी पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया था, वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सीरीज एक्सपेंशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थ्री इंटू वो सॉरी वन आएगा प्लस। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कॉमन लेने पर, या तो जेड बाई टू बनेगा जेड के अपॉन में टू जाएगा या टू के अपॉन में जेड जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जेड बाई टू या फिर टू बाई जेड। अब वो क्या बन, दोनों में से क्या बनाना है कॉमन लेकर जिससे कि सीरीज एक्सपेंड हो, उसके लिए आपको रीजन की तरफ देखना है। गिवन रीजन क्या है, यहाँ पर गिवन रीजन है हमारा मोड जेड ग्रेटर देन, जेड और टू में क्या लिंक है, मोड जेड टू से बड़ा दिया हुआ है, और मैंने बताया आपको हमेशा ग्रेटर साइड पहले वन बनाना है। तो यहाँ वन क्रिएट करने के लिए मोड जेड से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो टू बाई जेड का मोड वन से छोटा आ जाएगा। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि जेड बाई टू और टू बाई जेड में से किसका मोड वन से छोटा है, टू बाई जेड का। तो आपको यहाँ पहले टू बाई जेड क्रिएट करना होगा कॉमन लेकर। तो टू बाई जेड बनाने के लिए क्या कॉमन लिया जाए अपॉन में, जेड, तो ये बन जाएगा वन प्लस टू बाई जेड। अब इसको हम सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, वन प्लस थ्री अपॉन जेड इंटू वन प्लस टू बाई जेड की पावर माइनस वन, और इसमें वन प्लस थ्री बाई जेड, और इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ प्लस है या माइनस, तो बाइनोमियल सीरीज फार्मूले से अभी जो डिस्कस किया था ये अल्टरनेट चलेगी टू बाई जेड की पावर में, तो वन माइनस टू बाई जेड फिर प्लस आएगा टू बाई जेड का होल स्क्वायर फिर माइनस टू बाई जेड का होल क्यूब प्लस होम। ये वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर माइनस एट, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, तो इसमें अगर हम इस पार्ट को देखें तो या तो कॉमन लेने पर जेड के अपॉन में थ्री आएगा या फिर थ्री के अपॉन में जेड आएगा। एग्जाम में आप इसे पेंसिल से लिख लिया करें रफर में। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों में से क्या बनेगी, उसके लिए हमें रीज़न देखना पड़ेगा जो जेड और थ्री को कनेक्ट करता हो, तो वो ये वाला पोर्शन गिवन है कि मोड जेड लेस देन थ्री गिवन है। और मैंने बताया पहले आपको ग्रेटर साइड वन बनाना होता है, तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो मोड जेड बाई थ्री लेस देन वन आ जाएगा, ये वन बन जाए। अब आपको कन्फर्म हो गया कि इन दोनों में से किसका मोड वन से छोटा है, जेड बाई थ्री का, तो सीरीज़ इसलिए किस में बनेगी, जेड बाई थ्री में। तो जेड बाई थ्री में सीरीज एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर जेड बाई थ्री अपॉन में बनाना होगा, तो जेड बाई थ्री क्रिएट करने के लिए क्या कॉमन लिया जाए नीचे, थ्री, तो ये बन जाएगा वन प्लस जेड बाई थ्री, और इसे हम माइनस एट बाई थ्री इंटू वन प्लस जेड बाई थ्री की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, और इसकी सीरीज़ हमारे पास
माइनस एट बाई थ्री, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे और जेड बाई थ्री की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो वन माइनस जेड बाई थ्री, फिर प्लस जेड बाई थ्री का होल स्क्वायर, फिर माइनस जेड बाई थ्री का होल क्यूब प्लस वन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस थ्री बाई जेड इन टू समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन टू दी पावर एन इन टू टू बाई जेड टू दी पावर एन माइनस एट बाई थ्री समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन टू दी पावर एन इन टू जेड बाई थ्री टू दी पावर एन। अब आप बता सकते हैं सीरीज टेलर सीरीज है लॉरेंट, तो भाई ये लॉरेंट सीरीज है। एक भी टर्म पूरी सीरीज के अंदर, पूरे आंसर के अंदर कहीं पर भी वन अपॉन में दिख गई जेड, वन अपॉन जेड दिख गया तो आप लॉरेंट सीरीज है, तो ये लॉरेंट सीरीज है। सीरीज ठीक है। अब आपका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है फोर मोड जेड ग्रेटर देन थ्री। तो यहां पर हमारा फंक्शन था जेड स्क्वायर माइनस वन जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम कर चुके थे वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री, ये आ चुके थे। अब इसे टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का प्रोसेस क्या है, वही कि पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा, ये तो वन तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि सीरीज यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी कॉमन लेने पर, या तो टू जेड के अपोन में आएगा जेड बाई टू बन जाएगा, या जेड कॉमन लेने पर टू के अपोन में आएगा तो टू बाई जेड। अब आपको ये कंफर्म करना है कि गिवन रीजन से दोनों में से किसका मोड वन से छोटा है। तो आपका जो ये रीजन है, मैंने हमेशा से बताया कि गिवन क्वेश्चन में जो रीजन है मैं ग्रेटर साइड आपको वन बना लेना है, तो यहाँ वन बनाने के लिए मोड जेड से डिवाइड कर देंगे, तो वन ग्रेटर देन किससे आ जाएगा थ्री बाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बाई जेड का मोड 1 से छोटा बन रहा है, तो अगर 3 बाई जेड 1 से छोटा है तो आप श्योरिटी किसकी दे सकते हैं, 2 बाई जेड की या जेड बाई टू की, तो यहाँ पर 2 बाई जेड की दे सकते हैं क्योंकि 2 बाई जेड इससे भी छोटा होगा और 3 बाई जेड लेस है 1 से, तो 2 बाई जेड तो इससे भी लेस है तो वो भी 1 से लेस होगा, यानी कि 2 बाई जेड का मोड लेस हो जाएगा किससे, 1 से। तो सीरीज किस में चलनी चाहिए, 2 बाई जेड में, तो 2 बाई जेड क्रिएट करना होगा यानी कि अपोन में, और 2 बाई जेड कॉमन ले क्रिएट करने के लिए क्या कॉमन लिया जाए अपोन में से, जेड कॉमन ले लिया जाए तभी तो ये बनेगा 1 प्लस 2 बाई जेड। ऐसे ही यहाँ पर हम आते हैं इस वाले पार्ट के अंदर, दो पॉसिबिलिटी है फिर से, इस वाले पार्ट के अंदर दो पॉसिबिलिटी, या तो जेड के अपोन में थ्री जाएगा या फिर थ्री के अपोन में जेड जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें कंफर्म करना है क्या बनेगा, भाई क्लियरली अभी देखा ना इस रीजन को सॉल्व करके किसका मोड वन से छोटा रहा है, जेड बाई थ्री बाई जेड का, तो सीरीज़ किस में बननी चाहिए, थ्री बाई जेड में, या थ्री बाई जेड क्रिएट करने के लिए क्या कॉमन लिया जाए, जेड कॉमन लिया जाए, तो वन प्लस थ्री बाई जेड। अब इसे हम वन प्लस थ्री बाई जेड और वन प्लस टू बाई जेड की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस एट बाई जेड इंटू वन प्लस थ्री बाई जेड की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वन प्लस थ्री बाई जेड, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, दोनों अपोजिट अलग अलग साइन है तो अल्टरनेट चलेगा पावर्स किसकी, टू बाई जेड की इंक्रीजिंग पावर, तो वन माइनस टू बाई जेड, फिर प्लस आएगा टू बाई जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस आएगा टू बाई जेड का होल क्यूब प्लस वो माइनस एट बाई जेड, ये हमारा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या है, वन माइनस थ्री बाई जेड, फिर आएगा प्लस थ्री बाई जेड का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस थ्री बाई जेड का होल क्यूब प्लस वन। इसको हम वन प्लस थ्री बाई जेड इन टू क्या लिख सकते हैं, समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनेटिव, अल्टरनेट साइन है तो माइनस वन की पावर एन आएगा, टू बाई जेड की पावर एन, फिर माइनस एट बाई जेड, और यहाँ समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनेटिव, ये भी अल्टरनेट है तो प्लस माइनस आ रहे हैं, माइनस वन की पावर एन आएगा, थ्री बाई जेड की पावर एन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसका एक फोर्थ पार्ट और होता, फोर्थ पार्ट की रीज़न हमें एक्सपेंड करना होता, मोड जेड प्लस वन लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन दिया था जेड स्क्वायर माइनस वन अपोन जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री, पार्शियल फ्रैक्शन बनकर आए थे वन प्लस थ्री अपोन जेड प्लस टू माइनस एट अपोन जेड प्लस थ्री। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा सीरीज हमेशा उसकी पावर में चलती है जिसके मोड के बारे में बात करी गई है, मोड लेस देन वन ग्रेटर देन वन, जिसका जो मोड के अंदर है,
तो आपकी सीरीज चलेगी जेड प्लस वन की फॉर्म में, चाहे वो वन अपॉन जेड प्लस वन वन चले चाहे वो जेड प्लस वन। तो आपको पहले यहाँ पर जेड प्लस वन क्रिएट करना होगा फंक्शन एफ जेड की वैल्यू में। तो जेड प्लस वन क्रिएट करने के लिए जेड प्लस टू को हम जेड प्लस वन लिख सकते हैं, फिर माइनस एट, यहाँ पर भी जेड प्लस वन प्लस टू लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर एक्सपेंड करने से पहले वही आइडिया लगाना होगा कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं आपको इस अपॉन वाले टर्म से, या तो आप वन कॉमन लेंगे तो ये ऑलरेडी जेड प्लस वन बनाया हुआ है, या फिर आपका ये इसके अपॉन में जाएगा तो वन अपॉन जेड प्लस वन। तो दो में से सीरीज किस में चलेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर गिवन रीज़न ये जो है इसमें दिख रहा होगा ग्रेटर साइड ऑलरेडी वन है और लेस किसका मोड है वन से, जेड प्लस वन का मोड वन से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि आपको कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी जेड प्लस वन बना हुआ है, इसे न्यूमरेटर में वन प्लस जेड प्लस वन की पावर माइनस वन हम लिख लेंगे और एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा वन प्लस थ्री, और ये दोनों यहाँ प्लस है, हमारे साथ अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, इसलिए वन माइनस जेड प्लस वन, फिर आएगा प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस जेड प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट में दो पॉसिबिलिटी, या तो ये टू जेड प्लस वन के अपॉन में आएगा या जेड प्लस वन टू के अपॉन में आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, जेड प्लस वन बाई टू या टू अपॉन जेड प्लस वन। और हमारे रीज़न के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ये रीज़न था इसमें किसका मोड वन से छोटा है, जेड प्लस वन का मोड वन से छोटा है, और जेड प्लस वन का वन से छोटा है तो जेड प्लस वन बाई टू तो उससे भी छोटा होगा, तो श्योरिटी हो रही है कि मोड जेड प्लस वन बाई टू वन से छोटा होगा, इसलिए सीरीज मोड जेड प्लस वन बाई टू में बनेगी। तो हमें यहाँ जेड प्लस वन बाई टू क्रिएट करना होगा, तो क्या कॉमन लिया जाए, टू कॉमन लिया जाए। तो जैसे हम टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा वन प्लस जेड प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पर हमें एट बाई टू इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस जेड प्लस वन बाई टू की होल पावर माइनस वन। तो ये वन माइन प्लस थ्री इंटू वन माइनस जेड प्लस वन प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन माइनस, ये डिवाइड करेंगे तो फोर आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो सीरीज अल्टरनेट चलेगी प्लस माइनस, तो वन माइनस जेड प्लस वन बाई टू आएगा, फिर प्लस जेड प्लस वन का होल बाई टू का होल स्क्वायर आएगा, फिर होल क्यूब, इस तरीके से सीरीज। ठीक है, तो हमारी सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पर क्या बनी, वन प्लस थ्री इंटू समेशन एन गोज़ टू जीरो टू इन्फिनेटिव, और ये अल्टरनेट प्लस माइनस आया तो माइनस वन की पावर एन इंटू जेड प्लस वन की पावर एन माइनस फोर, इसमें भी एन गोज़ टू वन जीरो टू इन्फिनेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस वन की पावर एन, और ये आएगा हमारा जेड प्लस वन बाई टू की पावर एन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज हो जाएगी आंसर। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब अगर फंक्शन एफ जेड में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी है और उसको सीरीज में एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंड वन माइनस कोस जेड अपॉन जेड क्यूब इन लॉरेंट सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू जीरो। अबाउट जेड इक्वल टू जीरो मतलब जेड माइनस जीरो की पावर में एक्सपेंड करना है, जेड माइनस जीरो की पावर में, यानी कि जेड की पावर में। तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर फंक्शन हमारे पास वन माइनस कोस जेड अपॉन जेड क्यूब है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले वन अपॉन जेड क्यूब एज इट इज़, और ये वन माइनस कोस जेड हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और आपको अभी नोट में सारी कोस जेड की साइन जेड की सबकी सीरीज बताई थी, तो वो सीरीज़ हम कोस जेड की यहाँ पर लगा देंगे। कोस जेड की सीरीज़ क्या होती है भाई, ये होती है वन माइनस जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन। अब ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वन अपॉन जेड क्यूब, अंदर क्या रह जाएगा, जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, और ये माइनस जेड टू द पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल, फिर माइनस, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। वन अपॉन जेड क्यूब से अंदर इंटू कर दें तो ये बनेगा हमारा वन अपॉन जेड इंटू टू फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब अपॉन फोर फैक्टोरियल, और ये प्लस जेड, नहीं जेड क्यूब नहीं है, सॉल्व करेंगे तो जेड बचेगा, जेड की पावर फोर को जेड क्यूब से डिवाइड करेंगे, जेड यहाँ पर जेड क्यूब बचेगा अपॉन सिक्स फैक्टोरियल। इस तरीके से ये सीरीज़ हमें इसकी मिल जाएगी। तो ये जो सीरीज़ हमारे पास आई है इसमें वन अपॉन जेड की टर्म दिखाई दे रही है, इसलिए ये सीरीज़ कैसी है, लॉरेंट सीरीज रिक्वायर्ड लॉरेंट सीरीज।
ठीक है। अब हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप अगर उन्हें करेंगे होमवर्क के क्वेश्चंस को तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन एक्सपेंड 1/(z+1)/(z+3) इन द रीजन, ये हमें दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में एक्सपेंड करना है इन लॉरेंट सीरीज 7z-2/(z³-2z)/2z, और ये हमें रीजन दिया हुआ है, इनके ये आंसर्स हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है ये टॉपिक और अच्छे से तैयार हो जाएगा, 7 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में श्योर हो जाएंगे।